नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दियों में तरह तरह के साग मिलते हैं, तो आज हम चने का साग बनाएंगे। ये राजस्थान का बहुत स्पेशल साग है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, चने के साग के लिए जो चने का पौधा होता है उसके ऊपर की कच्ची कच्ची पत्तियाँ लेनी है। तो ज़्यादा पकी हुई पत्तियाँ ना लें, बिल्कुल कच्ची छोटी वाली पत्तियाँ मार्केट से लें। और थोड़ा सा बथुआ लेना है, मेन चने का साग होगा। थोड़ा सा इसमें आप गाजर के पत्ते ले लें, ये मुझे कम मिले हैं, आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और बिल्कुल फ्रेश पालक ले लें। तो इस तरह से ये चार पांच साग इसमें हमें मिलाने, मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं आप। इन्हें बहुत अच्छे से धोकर और आप बहुत बारीक बारीक काट लीजिए। और मसालों में देखिए, बहुत कम मसाले हैं, थोड़ी सी कुटी मिर्च है, हल्दी है, नमक है और बहुत सारा लहसुन लेना है आपको। लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और थोड़ा सा बाजरा लेना है, देखिए 4-5 चम्मच, और इसे दरदरा सा मिक्सी में पीस लेना है आपको। तो थोड़ा पाउडर, थोड़ा दलिया रहे इसका। तो ये बाजरा लें आप इस तरह से। और मैंने 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आमतौर पर लोग नहीं डालते हैं ये। तो आप देखिए, पानी बॉईल कर लीजिए और उबलते हुए पानी में जो हमने बारीक बारीक साग काट लिया उसे हम डाल देंगे। तो आप मोटे तले की हांडी लें ताकि चिपके नहीं, क्योंकि बहुत देर में ये साग कुक होगा अच्छे से। तो आप इस तरह से उस बॉईल पानी में इसको डुबो दीजिए अच्छे से, और ढक देंगे हम इसे, 10-15 मिनट कुक होने देंगे। तो अब देखिए, 10-15 मिनट हो गए हैं, साग थोड़ा कुक हो गया है। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। तो लहसुन को कूट लिया है और आप देख के बहुत सारा लहसुन है। बाजरा डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और सभी मसाले डाल देंगे। मिर्च थोड़ा तेज़ डालें तो ज़्यादा अच्छी बनेगी ये। और इसे मिलाकर हम थोड़ा हिलाएंगे, इसे चलाएंगे और फिर से ढक देंगे। तो आप देखिए, चम्मच से इस तरह से दबाते हुए इसे चलाएं तो थोड़ा घुटता जाएगा ये। तो काफ़ी देर लगेगी इसमें, जब तक पानी अलग दिखना बंद हो जाए तब तक इसे कुक करना है। और थोड़ा आप चम्मच से ही उसको दबाते हुए चलाएं, घोटना है इसे हमें एक तरह से बहुत देर तक। और जब ये इस तरह कुक होने पर आ जाए तो आप एक इस तरह की मथनी या रई ले, जिससे हम छाछ बनाते हैं, उससे आप इस तरह से फेंट लीजिए इसको। तो लोग आजकल ब्लेंडर से भी फेंट लेते हैं, पर आप रई से इस तरह से फेंटे। अब देखिए, पानी अलग दिखना बंद हो गया है, इसको कम से कम आधा पौन घंटा हो गया है चलते हुए। सिम गैस पर ही हम इसे बना रहे हैं पूरा। तो अब ये रेडी है बनकर। तो इसमें आप घी डालिए ऊपर से, तड़का वैसे नहीं लगाते हैं। और आप इसके मक्के की रोटी के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये।